अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरेबियन गाइड व्लॉग्स। जी तो सबका क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो वीडियो है जी वो है इंश्योरेंस के ऊपर, कि आपने इंश्योरेंस कैसे बुक करनी है। मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे और कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट किया था, तो वो ये चीज़ पूछे थे कि आपने इंश्योरेंस कैसे की है और हमें भी तरीका बताएं इंश्योरेंस का। तो एक एक बंदे को बताने से बेहतर है मैंने कहा कि चलें इस पर एक वीडियो बना के शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो मैंने जिस कंपनी से इंश्योरेंस परचेज़ की थी उसका नाम है जी एकता इंश्योरेंस कंपनी, एकता, ठीक है। सिंपली आप गूगल पे जाके एकता लिखेंगे, ये भी मैंने लिखा है, ई के तो आगे आ गया, ठीक है, एकता इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। वैसे तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिससे किया मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप वैसे अलराजी से भी कर सकते हैं, जिसके पास अलराजी का अकाउंट है वहाँ से भी कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया से अगर कोई पता कर रहा है तो, ठीक है। तो सिंपली इस पे जाएंगे, नीचे देखिए अभी इसका लिंक ओपन हो गया, ठीक है, एकता इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे देखें इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। अभी आपको टॉप पे दिख रहा होगा बाय, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ ट्रेवल्स हेल्थ इंश्योरेंस फॉर वर्ल्ड वाइड ट्रेवल, ठीक है, बाय पे क्लिक करेंगे। लेकिन जैसे ही बाय पे आपने क्लिक किया तो अभी नीचे वो आ गया जी कंट्री एंड ट्रेवल डेट्स। अभी इसमें तीन तरह के हैं, ठीक है, स्टार्ट है, गोल्ड है, मैक्स है, आप तीनों में से जो भी करना चाहें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गोल्ड करें, ठीक है। स्टार्ट जो है थोड़ा सस्ता है, गोल्ड थोड़ा महंगा है, और जो मैक्स है वो थोड़ा सा और महंगा आ जाएगा, ठीक है। देखें अभी स्टार्ट पे करूँगा तो अभी नीचे आपको प्राइस दिख रही होगी $12.88, ठीक है, ट्रिप ड्यूरेशन 13 डेज़ के लिए। अगर गोल्ड पे करता हूँ अभी आप नीचे देख सकते हैं $22.78, ठीक है, ये भी 13 डेज़ के लिए बता रहा है। उसके बाद जो नीचे आ गया मैक्सिमम मैक्स प्लस, ये आप देख सकते हैं जी $77.56 है, ठीक है। तो मैंने किया था गोल्ड, ठीक है, आपको भी ये रिकमेंड करूँगा गोल्ड पे करें। जैसे गोल्ड पे करें नीचे आ जाएगी जी डिपार्चर अराइवल, ठीक है, यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है आप किस डेट को ट्रैवल कर रहे हैं, जिस डेट को आपने यहाँ से जाना है, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, जिस डेट को आपने यहाँ से जाना है आपने वही डेट इसमें मेंशन करनी है, और जिस डेट को आपको वहाँ से एग्जिट करना है, ठीक है, तब तक आपने डेट डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ जी 20 जुलाई से 25 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई से 25 जुलाई मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी चाहे ट्रैवल कंट्री वर्ल्ड वाइड ऑल कंट्रीज़, अभी यहाँ पे डिपेंड करता है आप वर्ल्ड वाइड ऑल वर्ल्ड करना चाहते हैं या आप कोई एक कंट्री चूज़ करना चाहते हैं। मैं जॉर्जिया चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे देख सकते हैं आप जॉर्जिया आ गया, नीचे आ गया रेस्ट ट्राइब, इसको ऐसे ही रहने दें। अभी नीचे आ गए जी आई एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ठीक है, ये करके अभी नीचे आप देख सकते हैं जी $10.51 है, ठीक है, जो इसकी 6 डेज़ की प्राइस है वो $10.51 है। अभी यहाँ पे जाके आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आगे आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल डालनी है, ठीक है, जो आपके पासपोर्ट पे आपकी डिटेल लिखी हुई है वही आपने यहाँ पे लिखनी है सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ गया, नीचे सर नेम आ गया, नीचे आपका मोबाइल नंबर आ गया, उसके नीचे आपका ईमेल आ गया, ठीक है, ईमेल के बाद आपका पासपोर्ट की पासपोर्ट नंबर आ गया, उसके बाद आपकी बर्थडे आ गई, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सारी डिटेल डालने के बाद आप नेक्स्ट करना है। चलिए जनरल डिटेल डालते हैं इसमें,
पासपोर्ट नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी, ठीक है। सबसे पहले डेट आ जाएगी, मंथ आ जाएगा। अभी आपने सिंपली जाकर नीचे नेक्स्ट कर देना, ठीक है जी। जैसे ही आप नेक्स्ट पे करेंगे ये आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी इसमें। जब आपसे करें कि आप वेरीफाई कर लें इसमें कुछ चेंजिंग करनी है अगर आपने तो, ठीक है। तो मिस्टेक है तो आप इसे बैक करके चेंज कर सकते हैं। ओके जी, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे बाय पे, नीचे आपको बाय दिख रहा होगा, बाय पे क्लिक करेंगे। अभी नीचे आपसे आपकी कार्ड की डिटेल मांगेगा, ठीक है। आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, वैलिडिटी आ जाएगी, आपका नाम, सीवी और फ़ोन नंबर, ठीक है। नीचे से चेकआउट करेंगे, आपकी इंश्योरेंस परचेज हो जाएगी। ये था जी सिंपल सा प्रोसीजर इसका, इंश्योरेंस का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं, कि जब भी आपने कामा ट्रांसफर, कुछ लोग मुझे यही पूछेंगे कि कामा ट्रांसफर कहाँ से करवाएं, कैसे करवाएं, ठीक है। तो बहुत सी शॉप हैं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे बहुत सी शॉप्स होंगी ट्रांसलेट की, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल मैप पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ किसी भी ऑथराइज्ड जो ट्रांसलेटर है वो उससे आप जाके ट्रांसलेशन करवाएँ और स्टैम्प भी लगवाएँ उससे, ठीक है। और एक चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, उसमें आपने अपने कामे की एक्सपायरी डेट मस्ट इंक्लूड करवानी है, ठीक है। अभी ये भी इशू चल रहा है, ठीक है। मेरे एक दो जानने वालों के साथ ये इशू हो चुका है कि वो लोगों ने उसमें अपनी इकामे की एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन करवाई हुई थी, ठीक है। तो उन्हें जॉर्जिया एयरपोर्ट पे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो लिहाजा मैंने तो खैर नहीं ऐड करवाई थी जब मैं गया हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये मस्ट ऐड करवानी है अपने अफसर से डेट देख के, एक्सपायरी डेट अपने इकामे की। और आपने वहाँ जिस भी शॉप पर आप जाएँगे उससे आपने बोलना है कि भाई इसमें आपने इकामे की एक्सपायरी डेट लाजिम मेंशन करनी है, ठीक है, ताकि आपको एयरपोर्ट की एयरपोर्ट पर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी, ये लोग आपको सऊदीया वाले आपको छोड़ देंगे यहाँ से, मसला है। लेकिन आपको वहाँ जाके जाके प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। काइंडली आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट किया करें ताकि मैं भी कुछ आगे वीडियोज़ और बनाया करूँ। जब मुझे सपोर्ट नहीं मिलती तो मेरा भी दिल नहीं चाहता कि वीडियो बनाऊँ। लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।